अगले महीने यानी कि सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो दिल्ली में इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इसी के कारण दिल्ली के निवासियों को होने वाली संभावित असुविधाओं को कबूल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को लोगों से इसके आयोजन को सफल बनाने के लिए योगदान की अपील की है और इसके साथ साथ ही उन्होंने दिल्ली वासियों से माफ़ी भी मांग ली है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि G20 की अध्यक्षता पिछले साल भारत को मिली थी। ऐसे में भारत में तमाम जगहों पर लगातार मीटिंग्स, लगातार G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, लेकिन अब G20 के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ कई अन्य देशों और साथ ही कई अन्य संगठनों के अध्यक्ष दिल्ली आएंगे और इस दौरान दिल्ली वासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लोगों के सक्रिय रूप से योगदान की अपील और साथ ही साथ दिल्ली वालों को होने वाली परेशानी के लिए माफ़ी भी मांग ली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स और साथ ही ग्रीस की यात्रा से भारत लौटे। इस दौरान दिल्ली में एक सार्वजनिक स्वागत समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी। दिल्ली में होने वाले 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली वासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 सितंबर से 15 सितंबर तक का बहुत असुविधा होगी, इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। ये हमारे मेहमान हैं, ट्रैफिक नियम बदल जाएंगे, आपको हर जगह पर जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होगा। इसमें यूरोपीय संघ और आमंत्रित अतिथि देशों के 30 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष अधिकारियों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 सितंबर से 15 सितंबर तक G20 समिट है और इसके कारण, इससे जुड़े कार्यक्रमों के कारण दिल्ली वासियों को कुछ असुविधा होगी, तकलीफ होगी, ट्रैफिक की व्यवस्था बदल जाएगी, बहुत जगहों पर उन्हें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में होने वाली असुविधा के लिए मैं आज ही क्षमा याचना कर लेता हूँ। उन्होंने दिल्ली वासियों से G20 के मेहमान का अद्भुत और शानदार स्वागत करने की अपील करते हुए कहा कि देश की साख पर रत्ती भर भी आँच ना आए, यह दिल्ली वालों को करके दिखाना है। हम सबको मिलकर इस G20 समिट को शानदार और रंग बिरंगा बनाना है। उन्होंने कहा कि G20 के लिए दिल्ली के निवासियों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय तिरंगा शान से ऊंचा लहराता रहे। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से शनिवार को देश लौटने पर इसरो के सेंटर का दौरा किया और इसके बाद वह दिल्ली लौटे। तब उन्होंने दिल्ली वालों को अपने संबोधन के दौरान इस बात की अपील की और साथ ही दिल्ली वासियों को होने वाली असुविधा के लिए क्षमा याचना भी की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मेहमान दिल्ली आ रहे हैं उन सभी मेहमानों को घर जैसा एहसास हो और यह कार्यक्रम सफल हो, यह हम सब की विशेष जिम्मेदारी है, खासकर दिल्ली वासियों की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।